नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर ईडी की छापेमारी में 270 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। पीयूष जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक राजनीति गरमाई हुई है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के कन्नौज में सपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने भाजपा पर निशाना साधा और अखिलेश की रैली में आने वाली भीड़ से बीजेपी बौखला गई है जैसी बात कहते हुए उन्होंने ये कहा कि छापों से समाजवादी पार्टी को जोड़कर उसकी छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसका कोई फायदा नहीं है। इस वार्ता में सदर विधायक अनिल दोहरे भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी जीएसटी इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पर भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कानपुर में पीयूष जैन या अमरीश जैन के यहाँ डाले गए छापों में कोई भी पीयूष जैन या अमरीश जैन से समाजवादी पार्टी के MLC का कोई लेना देना नहीं है, सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है और न कन्नौज में किसी छापे से सपा का कोई लेना देना है। जो विभाग है IT या GST वो अपनी कार्रवाई करे, सपा का कोई उनसे मतलब नहीं है। केवल माननीय अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए, चूंकि कन्नौज समाजवादी धरती है, समाजवादियों का गढ़ है, तो उसको सपा से नाकाम कोशिश करके छवि खराब करने के लिए केवल जोड़ा जा रहा है। नहीं, समाजवादी इत्र समाजवादी पार्टी के MLC और एक बड़े कारोबारी से हमारे MLC पंपी जैन ने लॉन्च किया है। पीयूष जैन प्रत्यूष जैन किसी का कोई लेना देना उससे नहीं है, उन्होंने लॉन्च किया है, वो कारोबारी है, उनका सब लेखा जोखा रजिस्टर्ड है, उनका पेट्रोल पंप है, उनका सब है यहाँ कानपुर में, उनके चार भाई हैं, उनका कोई भाई कोई इसमें कोई लिप्त नहीं है। और केवल जैन होने से एक बिरादरी से सारे बिरादरी के लोग कोई अपराधी या किसी में उनको हम संलिप्त थोड़ी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गए थे विदेश, तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तेदार हैं क्या?